धमपत की गाथा नंबर 6 के हिसाब से जे घोषिताराम बुद्ध विहार है, यानी घोषिताराम कौसाम्बी के अंदर, वहाँ भगवान बुद्ध उस समय विहार कर रहे हैं और उनके 500-500 भिक्षुओं के दो भिक्षु संघ में आपस में वाद विवाद हो जाता है। क्या वाद विवाद होता है भिक्षुओं में, किस चीज़ का वाद विवाद? दोनों भिक्षु संघों में अलग अलग एक अहम भावना जाग जाती है और दोनों दो खेमे में बढ़ जाते हैं। एक खेमे के कहते हैं कि जो विनय के नियम हैं, विनय के नियम यानी कि जो भिक्षुओं के लिए नियम बताए हैं कि कैसे भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, या जो स्थिवर हैं, महास्थिवर, थेरा, महाथेरा, थेरी सामने रहें, उनको कैसे जीवन यापन करना है और कैसे उनको पढ़ना है, उसको विनय बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि विनय के नियम सबसे ऊंचे हैं, यानी कि वो अपने विनय के नियमों को कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं किससे, धम्म के नियमों से, क्योंकि भगवान धम्म के नियम भी बताते हैं और भिक्षुओं को विनय के नियम भी बनाते हैं जिससे वो रहते हैं। तो धम्म धड़ जो हैं, जो धम्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, धम्म के नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और धम्म के नियम बड़े हैं। यानी उनमें ये अहम भाव आ गया कि धम्म के नियम ज़्यादा बड़े हैं या विनय के नियम ज़्यादा बड़े हैं, आचार संहिता के नियम ज़्यादा बड़े हैं। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान के पास जाता है और भगवान, चूँकि भगवान कभी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करते, ना ही आदेशात्मक कोई बात कहते हैं कि भिक्खु तुम्हें ऐसा करना है या नहीं करना है। वहाँ तर्क वितर्क का पूरा स्थान है और सबकी बात सुनी जाती है, क्योंकि वहाँ गणतंत्र है और वहाँ गणों की, यानी कि जो भिक्षु संघ हैं, उनकी बात मानी जाती है। तो वाद विवाद हुआ, भगवान उनको बैठाया, वाद विवाद को समझाने की कोशिश की, मगर दोनों भिक्षु संघ अड़ गए और माने नहीं। और कमाल ये हुआ कि उन्होंने भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की बात भी नहीं मानी। यानी जिसने सिखाया, जिसने बताया, भिक्षु संघ में इतना अहम आ गया कि उन्होंने भगवान की बात भी नहीं मानी। तो भगवान तो पारगामी हैं, भगवान को पता है कि कब क्या करना है और भगवान बहुत जानते हैं, क्योंकि वो सम्यक सम्बुद्धि बोधि प्राप्त किए हुए हैं, सम्यक सम्बुद्ध हैं। सम्यक सम्बोधि का मतलब है जो परिपूर्ण है और जो समानता से, सम से, बराबर, पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भरे हुए हैं, और पारगामी है, सब जानते हैं आर पार का, तो उसका सॉल्यूशन जानते थे। तो उन्होंने वहाँ से अपना निवास छोड़ दिया और निवास छोड़ के वो उन भिक्षुओं को छोड़ के वहाँ से चले गए अकेले। कहाँ चले गए? पास के ही एक जंगल में चले गए, जिसका नाम था पालीएक्का का उपवन, जो आज की डेट में मिर्जापुर में है। पालीएक्का का वन या उपवन, इसको परिलेख भी बोलते हैं, परिलेख्का उपवन जो मिर्जापुर में है। और वहाँ पे उन्होंने दसवां वर्षावास यानी वर्षावास किया। बारिश का समय आ गया तो वहाँ तीन महीने, साढ़े तीन महीने, चार महीने वो रहे। ये लगभग 519 ईसा पूर्व की बात है, उस समय की है। और ये पास में था रखितक गम गुफा के पास में। वहाँ के जो नागराज थे, यानी कि जो नागाओं के नाग लोग थे, उनके राजा थे, उन्होंने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और उनका वर्षावास में भोजन का, खाने पीने का सबका ध्यान रहा। कुछ कथाएं कहती हैं कि जो गजराज नागराज थे, हाथी थे, उन्होंने ऐसा किया, हो सकता है, क्योंकि नाग को हाथी कहते हैं और नाग जो राजा लोगों के हैं उनको नागराज कहते हैं, ये कई बार भ्रम हो जाता है। तो कथा है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि वेरीफाई तो कहीं होगा नहीं, कि हाथियों ने भी सेवा की और जो नाग लोग थे, नाग मनुष्य थे, उनके राजा थे, उन्होंने भी की, दोनों ने भी की या एक ने की। पर वर्षावास उनका वहाँ रहा। जब उनका वर्षावास वहाँ होने लगा तो इधर जो घोषिताराम बुद्ध विहार था, वहाँ दिक्कत होने लगी, क्योंकि कौसाम्बी के जो लोग थे, जब उन्हें पता चला कि अरे जो इनके शास्ता, शास्ता माने होता है टीचर, जो इनके टीचर थे, जो इनके शास्ता थे, जो तथागत थे, तथागत का माने जो तथ्य सच्चाई के ऊपर जो चलते हैं, मतलब तथ्य आगत, जिनके ऊपर तथ्य के हिसाब से चलते हैं, तथागत इनके चले गए और इन्होंने अपने टीचर की बात नहीं मानी, तो ये सारे भिक्खु निकम्मे ना नालायक हैं, इसलिए इनका पिंडदान बंद, पिंड का मतलब है भोजन, यानी खाना बंद। अब उन्होंने खाना बंद कर दिया, अब कौसाम्बी से खाना नहीं आता और भिक्खु वर्षावास में कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वर्षावास का नियम है, वर्षावास का नियम है
भिक्खु संघ का विनय का नियम है कि आपको एक ही जगह 3 साढ़े 3 4 महीने, 3 से लेकर 4 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो बड़ी कुलबुली हुई। अब चूंकि जो भिक्खु हैं वो बहुत कम खाने पे जीते हैं और जो पेड़ों का खाना उससे जी जी सकते हैं, तो टाइम तो उन्होंने काट लिया, मगर उन्हें बड़ी ग्लानी हुई। और जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि तो उन्हें समझ में आया कि उन्होंने गलती की है, तो वो आनंद के साथ में भिक्खु संघ सारे के सारे, जैसे ही वसावास खत्म हुआ वैसे ही वो पहुंच गए पलियेरक में, रखी तक गक गुम्फ में, यानी कि रखी तक गत गुम्फ में पहुंच गए। और वहां मिर्जापुर पहुंच के उन्होंने वहां क्षमा मांगी, वंदना की, गलती मानी। सारी गलती मानने के बाद में तब भगवान ने ये शब्द कहे, इनको उदान भी बोलते हैं। उदान का मतलब है कि मुंह से अपने आप निकलना। तो ये शब्द वहाँ निकले जो गाथा नंबर 6 में आते हैं धम्मपद में, और ये गाथा नंबर 5 के साथ ही मानी जाती है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हैं। वो कहते हैं, परे चे ने विजानंती मय मिथ यमाम से, ये चे तथ्य विजानंती ततो सम्मंती मेधगा। इसमें परे चे ने विजानंती का मतलब है, परे माने हैं अनाड़ी, अनजान लोग, जो जानकार नहीं है, अज्ञानी। चे माने और तब, और ने माने नहीं, विज्ञानंती यानी वो कहते हैं कि अनाड़ी लोग नहीं जानते। मैं मेथे यमा मसे, मैं माने मैं यानी हम, मेथे माने होता है यहाँ पे यहाँ, यानी कि हम यहाँ यमा मसे, यमा मसे का मतलब है नष्ट हो रहे हैं, यानी कि अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम लोग यहाँ नष्ट हो रहे हैं। ये भगवान ने एक बार और भी बताया था उदान में। वो कहते हैं कि जब उनको पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था कि अरे मैं हजारों जन्मों से, अनेक जन्मों से लगातार बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, किसकी तरफ, मृत्यु की तरफ, मृत्यु के लिए, मरने के लिए। ये कमाल के शब्द थे, क्योंकि जब आप सड़क पर खड़े हों और सड़क पर आपको लगे कि आज आपका मन बेचैन है, या गाड़ी में लगे कि आपका मन बेचैन है, या आपको उतावली हो, जब आप ड्राइव करें, या ट्रेन में बैठें, या जहाज़ में बैठें, या सड़क किनारे कभी बैठें, तो आप ध्यान देना कि जो ट्रैफिक चलता रहता है और सारा ट्रैफिक है, वो लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, वो लोग, क्योंकि भगवान के ये शब्द बहुत कमाल के हैं, ये सारे शब्द बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। सारे लोग कहाँ भाग रहे हैं, लोग सोचते हैं घर भाग रहे हैं, दफ्तर भाग रहे हैं, घर और दफ्तर नहीं भाग रहे हैं, बहुत जल्दी में है और बहुत तेज़ी से अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कोई अगर 70 साल का है और 80 साल का मरेगा वो, तो वो 10 साल की तरफ भाग रहा है तेज तेजी से। कोई अगर 50 साल का है और वो 80 साल मरना है, तो उसने 50 पूरे कर लिए, बड़ी तेज़ी लगी हुई है, घर खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा, मकान खरीदेगा, पैसा खरीदेगा, बहुत खाना है, पिक्चर बहुत देखनी है, अभी ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, टाइम ही नहीं है। जल्दी बची हुई है, किस बात की जल्दी बची हुई है, मरने की जल्दी बची हुई है, अल्टीमेटली मरेगा। तो वो कहते हैं कि ये जो अनाड़ी लोग हैं, ये नहीं जानते कि हम तो नष्ट हो रहे हैं। ये चे तथ्य विजानंती, ये चे तथ्य यानी कि जो और तब यह तथ्य जान लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं, विजानंती माने जान लेते हैं अच्छी तरह से। ततो सम्मंती मेधगा, ततो माने वहाँ से, उससे, तब झगड़ा दोष, मेधगा माने होता है झगड़ा दोष, जो भी कलह होती है वो, और सम्मंती माने शांत हो जाता है। ये बात जानते ही जो ज्ञानी लोग हैं, जब वो समझ जाते हैं, तो उनके सारे कलह, उनके सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको लगता है बहुत उतावली है, बहुत जल्दापन है, और आपको ये पता चल जाए कि आप तो मर जाओगे 10 साल में, 30 साल में, और आप उसके लिए सारा काम कर रहे हो, सारा पैसा उसके लिए कमा रहे हो, सारी चीज़ें उसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको लास्ट में मरना है, तो ये बात जिसको समझ में आ जाती है, उसके सारे कलह, सारी दोष खत्म हो जाती है। फिर वो कार में बैठा बैठा ट्रैफिक में जाम में फंसा हुआ मुस्कुराता है, फिर वो गाड़ी पे बैठा हुआ आराम चलता है, फिर वो अपनी स्पीड 100 की बजाय 50 कर लेता है। मरने की जल्दी थोड़ी है, आराम से मरेंगे, हमें क्या जल्दी जल्दी जाना है। मरने का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा तेज से, वो तो होगा ही, मगर आराम से जाइए, आपका कोई काम खराब होने वाला नहीं है, कम में भी काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा भी करके आपका क्या करोगे, अगर आपका मन कलह में है और आप परेशान होकर या टेंशन में 2 पैसे कमा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहानी उन्हें सुनाई, एक कहानी इसके साथ में और भी चलती है, वो कहानी और भी अच्छी है और भी मज़ेदार है। उस कहानी के हिसाब से एक राजा है जो बड़ा घमंडी है और बड़ा, ये बहुत भाषा तिब्बत में चलती है, बहुत ज़्यादा घमंडी है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, और किसी को कुछ नहीं समझता, महल में किसी को बैठने नहीं देता, एक चिड़िया का पर भी नहीं मार सकता, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो एक वहाँ भिक्खु आके
बैठतर भिक्कु शाम के टाइम उसको सोना है तो वो अपना संगाठी बिछाई वहां और सो गया। राजा को पता चला कि भिक्कू आया और सो गया, और राजा तलवार लेके आया वहां पे और आके उसने वहां उसको जगाया और उसकी बेइज्जती की। उसने कहा तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तो उसने क्यों उसने भिक्कू ने बड़े शांति से पूछा क्या बात हो गई? उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता तुम यहाँ सो रहे हो, ये मेरा महल है। तो भिक्कू ने कहा अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि ये कोई ऐसा आश्रय स्थल है, बिहार है, जहाँ आराम करना चाहिए। कह रहे तुम्हें भिक्कू होकर इतना समझ में नहीं आता कि ये मेरा महल है, ये कोई बिहार नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। तो भिक्कू ने कहा कि अच्छा आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तो उसने कहा मैं 30 साल पहले राजा बना, तब से यहाँ हूँ और मेरा जन्म 50 साल पहले हुआ। कह रहे उससे पहले यहाँ कौन रहता था? बड़े शांति से पूछा। कह रहे उससे पहले मेरे पिताजी थे। कह रहा उससे पहले कौन था? कह रहे उससे पहले उनके पिताजी थे। तो कह रहे वो तो आपके पिताजी के पिताजी अब कहाँ हैं? कह रहे वो तो चले गए, मर गए। आपके पिताजी वो तो मर गए, और आप? कह रहे मैं भी मर जाऊँगा। तो भिक्कू ने कहा कि आपका तो ये परमानेंट था महल, फिर वो क्यों चले गए और आप क्यों चले जाएंगे? और जो बिहार होता है या कोई ऐसा स्थल होता है जहाँ व्यापारी आता है या अतिथि आता जाता है, उसको क्या कहते हैं? आश्रय स्थल कहते हैं, जहाँ वो आश्रय ले देता है, विश्राम स्थल बोलते हैं, आराम स्थल बोलते हैं। तो राजा को ये बात समझ में आई कि महल उसका नहीं है, महल में वो अतिथि है, और यहाँ सारे ही अतिथि हैं, ये भिक्कू भी अतिथि है और मैं भी। उसने अपने जो वचन बोले उसके लिए क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आप आराम से यहाँ रहिए, अब मुझे सारा समझ में आ गया। ये थी कथा नंबर धम्मपद की 6। धन्यवाद।